जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है जी? चलें, ग्रेट। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम की डिस्कशन के अंदर हमने कल देखा था कि जनाब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखा था, और हमें पता चला था कि नेशनल इनकम एक सर्कुलर फ्लो में काम करती है, और उसमें सर्टन विड्रॉल्स होती हैं और सर्टन इंजेक्शंस होती हैं। और विड्रॉल हमने देखी थी, सेविंग्स टैक्स एंड इम्पोर्ट्स आर द विड्रॉल्स, and our investment, government spending and the export are our injections. ठीक जी, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हाउ नेशनल इनकम इज अकाउंटेड आर मेजर, नेशनल इनकम मेजरमेंट अकाउंटिंग। क्या नेशनल इनकम एक ही तरह से काउंट की जा सकती है, या इसके कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं? तो इकोनॉमिस्ट भाइयों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा जी कि नेशनल इनकम होती तो एक ही है, ये बात तो नहीं है कि नेशनल इनकम कोई अलग होगी। नेशनल इनकम एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वही हुई है। हाँ, इस नेशनल इनकम तक की फिगर तक पहुंचने के तीन मुख्तलिफ रास्ते हैं। क्लियर है जी? नेशनल इनकम ये नहीं है कि हम मेजरमेंट या कोई तीन डिफरेंट जो हमारे सामने रास्ते हैं कोई, वो हमें किसी अलग अलग मंजिल पे पहुंचाएंगे। वो पहुंचाएंगे हमें इसी नेशनल इनकम पर, नेशनल इनकम पर ही पहुंचाएंगे। तीनों की तीनों का जवाब जो है वो एक ही आएगा, नेशनल इनकम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा फर्क होगा तीनों के अंदर। अब वो क्या फर्क तरीके हैं, वो जनाब उन्होंने बताया कि एक तो तरीका है कि आप प्रोडक्शन अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच क्या है कि आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। दुरुस्त है, हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि ऑल द मार्केट वैल्यू of all goods and services produced in a country in a given period of time, that is usually one year, is called national income. तो अगर हम product approach के तहत तमाम goods and services की market value को इकट्ठा कर लें, sum up कर लें, जो एक साल के अंदर एक country के अंदर produce हुई है, तो हम national income calculate कर पाएंगे। दूसरी approach कहती है जनाब के इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच क्या है? इनकम अप्रोच में कहते हैं भाईजान इतना करें, आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि आपने कल ये देख लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनकम को आप ऐड कर लें तो यू विल गेट टू द सेम पोजीशन। आपकी इनकम अप्रोच ये कहती है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोडक्ट ला महाला उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करके ही प्रोडक्शन करनी है। तो आप अगर इनकम अप्रोच से उसको
उन फैक्टर्स की जो आमदनी है उसको कैलकुलेट कर लें तो आप फिर सेम नेशनल इनकम पर ही पहुंच जाएंगे। और थर्ड अप्रोच है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहती है? एक्सपेंडिचर अप्रोच कहते हैं कि जनाब जो भी हमने इनकम की थी उस इनकम को हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज लामहाला किसी ना किसी चेज की हैं। आप उन परचेजेस को अगर कैलकुलेट कर लें, सम अप कर लें उन परचेजेस को, उन एक्सपेंडिचर्स को, कंजम्पशंस को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप सम अप कर लें तो यू विल गेट टू द सेम पोजीशन। आप तीनों सूरतों में रीच टू द सेम कंक्लूजन बट पैसेज इज डिफरेंट फॉर ऑल दीज अप्रोचेस। तो मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब हम बारी बारी इन अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच की जब डिस्कशन की हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट अप्रोच बेसिकली है क्या, तो हमने कहा जी कि ठीक हो गया हम प्रोडक्ट अप्रोच के तहत कैलकुलेट कर लेते हैं और वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कैलकुलेट मेजर आवर नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट अप्रोच में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो उसने कहा अच्छा इसमें एक इशू आएगा आपको। वो क्या इशू आएगा? उसने कहा इशू आएगा आपका, आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, डबल काउंटिंग से बचना है। फाइनल गुड्स उनकी वैल्यू को सिर्फ आपने काउंट फॉर करना है, डबल काउंटिंग से बचना है। अच्छा जी ये क्या बात हो गई, फाइनल गुड्स क्या मतलब क्या हुआ, डबल काउंटिंग का इशू क्या है? तो उसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइनल गुड्स हैं क्या? फाइनल गुड वो है आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में चल सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल गंदम, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या उससे? रोटी। हम प्रोडक्शन करते हैं वीट की और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रेड। गंदम का वैसे इस्तेमाल कुछ हो नहीं सकता, कुछ उसका वैसे हमारी अल्टीमेट यूटिलिटी नहीं होगी। लेकिन मिस्टर ए सेड कि जनाब मैं आई एम ए फार्मर एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड एंड इनकम, आई हैव रेज्ड एंड इनकम, आई हैव प्रोड्यूस्ड रीप द वीट फॉर द अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज। मैंने 2000 रुपए की गंदम उगाई है इस साल के अंदर, मैंने मार्केट में बेची है जी। मार्केट वैल्यू मेरी जो मैंने जो गंदम उगाई थी उसकी मार्केट वैल्यू वाज 2000 रुपीज। तो आप कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने 2000 रुपया, दैट मीन्स के आपने नेशनल इनकम के अंदर 2000 रुपए की कंट्रीब्यूशन की है, बहुत अच्छा हो गया। दूसरी जानेब मिस्टर बी आएंगे, मिस्टर बी कहेंगे आई एम अ फ्लोर मिल ओनर, आई हैव परचेज द वीट and I have produced the flour for amounting rupees 2800। मैंने इस साल में बड़ी मेहनत की जी, प्रोडक्शन की, मेरे जो बिजली खर्च की, बाकी चीजें की, मैंने अपनी मिल चलाई फ्लोर मिल से, मैंने
2800 रुपए की का आटा बेचा है इस साल के दौरान में। आप कहेंगे वो अच्छी बात होगी, आपने इसका मतलब है नेशनल इनकम के अंदर 2800 रुपए का किया, आपने जो गुड्स बनाई उससे नेशनल इनकम में 2800 रुपए का इजाफा हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर एक मिस्टर सी आ जाएंगे। मिस्टर सी कहेंगे सर ड्यूरिंग दैट आई एम अ बेकर मैं और आई परचेज द फ्लोर एंड आई हैव प्रोड्यूस द ब्रेड एंड सोल्ड दोज ब्रेड ड्यूरिंग द ईयर्स अमाउंटिंग टू 3200। मैंने 3200 का की ब्रेड्स बेची है इस साल के दौरान में और मैंने उसके अगेंस्ट मनी रिसीव की है, पैसे भेजे। तो नेशनल इनकम के अंदर हम कहेंगे वेरी गुड जी मिस्टर सी, यू हैव कंट्रीब्यूटेड 3200 रुपीज इन द नेशनल इनकम, वेरी गुड। तो अगर हम इन सब को अकाउंट फार करें तो हमारी नेशनल इनकम कितनी बन जाएगी। अगर हम इन सब को इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली अकाउंट फार कर लें और इंडिविजुअली एड कर लें तो वी विल रीच टू ए कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग दिस ईयर we have increased, we have made a national income of 8000 rupees through this process. Aisa hi hai. But the issue now comes ke aap double counting kar rahe hain jnab. Is 2800 ke 2800 के अंदर पहले से ही 2000 आपने अकाउंट फार कर लिया था, 2000 प्लस 800 इन्होंने एडिशनल काम किया। आपने जब 8000 नेशनल इनकम कंसीडर की उसके अंदर आपने 2000 को दो दफा काउंट कर लिया है, पहले 2000 आपने सेपरेट काउंट किया फिर 2000 आपने इनके साथ भी काउंट कर लिया, तो डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, डबल काउंटिंग का एरर आपने कमिट कर दिया है। और दूसरी जानिब जब ब्रेड वाले भाई के पास आप गए तो फिर आपने सेम एरर किया कि 2800 तो आप पहले ही पिछले प्रोसेस तक वो कर चुके थे और वो 3200 के अंदर शामिल था आटा, क्योंकि लेके आटे से आगे रोटी बेची है तो आटे की कीमत भी आपने उसमें कर ली 2800 प्लस जो इन्होंने 400 वैल्यू एडिशन की वो भी आपने कर ली, तो आपने 2800 को भी डबल काउंट किया है। क्लियर है? तो वो कहते हैं, साहबान कहते हैं, इकोनॉमिस्ट भाई कहते हैं कि भाईजान आप ये गलती ना कीजिएगा जो आप सबने की के 8000 रुपए को हमने समझ लिया कि ये नेशनल इनकम है। नहीं सर, इस 8000 रुपए के अंदर डबल काउंटिंग हो रही है, उस डबल काउंटिंग को आपने रिड्यूस करना है। तो कहते हैं कि आप फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुई है, जो कि इस प्रोसेस के अंदर ब्रेड है, वो ब्रेड की फाइनल गुड की आप कीमत ले लेंगे तो इसके अंदर 2000 रुपए का वीट भी शामिल है और 800 रुपए का जो फ्लोर वाले ने काम किया वो भी शामिल है और 400 रुपए का जो ब्रेड वाले ने काम किया वो भी शामिल है। नेट इफेक्ट आपका फाइनल गुड्स दे रही है, फाइनल गुड को आप सिर्फ कंसीडर करें। वन वे ऑफ रीचिंग दिस कंक्लूजन। और दूसरा तरीका वो कहते हैं कि या तो फाइनल का कर लें या हर प्रोसेस के अंदर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है, प्रीवियस कुछ नहीं आया था, इसकी वैल्यू एडिशन कितनी की है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस ने वैल्यू एडिशन कितनी की है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस वैल्यू एडिशन को सिर्फ अगर आप ले लेंगे तो भी आप सेम सिचुएशन पे पहुंचेंगे। But you need to be careful and just account for the value addition. No double counting should be done. Double counting will distort your values. Double counting will distort the figure of national income. तो दो तरीके हैं, या आप final good की value ले लें और या आप हर
स्टेप के ऊपर हर फेज में प्रोसेस के हर फेज के अंदर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है उस वैल्यू एडिशन को ले लें तो यू विल गेट टू द सेम फिगर सेम इशू सेम प्रॉब्लम सेम सॉल्यूशन। डबल काउंटिंग का आपने इस्तेमाल करनी है और डबल काउंटिंग से बचना है जी। तो मुश्किल तो नहीं। अच्छा अब लेट मी गो टू द बुक। हम बुक से कंसोलिडेट करते हैं अब तक जो हमने चैप्टर 6 के हवाले से चीजें देखी हैं उसको कंसोलिडेट करते हैं फिर हम अगली दो अप्रोचेस को देखते हैं जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंट्रीज इन द एग्रीगेट टोटल। एग्रीगेट की बात करनी है एक्यूमुलेट करके करना है हमें उसमें इक्वली। फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने देखना है इन्फ्लेशन लो रखनी है अनएम्प्लॉयमेंट लो रखनी है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स बताए नेशनल आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के और इसके बेसिक क्वेश्चंस उसमें कहा जी के ग्रो कैसे कॉजेज में देखें ग्रोथ के और फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं उनके ऊपर नजर रखें रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इन चीजों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाती रहती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर और फ्लक्चुएशन को किस तरह से मैनेज करना उनकी बातों को आपको बताती है। फिर इंट्रोडक्शन टू आपकी नेशनल इनकम की और फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस। After indirect taxes, यानी कि indirect taxes इसके अंदर include हैं और monetary indirect taxes include होने का मतलब क्या हुआ? ये market price की बात हो गई। ऐसा ही factor cost और market price को हमने बात जो की थी, इसने यहाँ पे indirect taxes को include किया। तो that means के national income will be market value और market price और उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको कंबिनेट करेंगे तो फिर। अच्छा जी डिफिकल्टीज को भी हम छोड़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं इधर जीडीपी जीएनपी के अंदर जो बातें कही थी हमने। जीडीपी क्या है जी? कल की डिस्कशन हमने अगर याद हो कल हमने डिस्कस किया था। मैं दोबारा एक दफा ड्रा कर दूं आपकी सहूलत के लिए। मैंने कहा था बार बार हम करते रहेंगे इसको फर्म एंड हाउसहोल्ड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिवार्ड गुड्स एंड सर्विसेस price and then withdrawals tax savings and imports and injection investment government spending and exports गुड्स एंड सर्विसेज पे जो आपने प्राइस पे की दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। हमने ये कल बात की थी कि आपने इसको हमने सी से कहना है जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसे अपनी इनकम में से स्पेंडिंग की एक्सपेंडिचर किया दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अब यहाँ पे आ जाए ये कह रहा है जी कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी सी प्लस आई इज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी एक्स एक्सपोर्ट एंड एम इज द इम्पोर्ट नेट आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड।
उसने क्या क्या लिया इसमें, उसने सी लिया, सी प्लस जी प्लस आई एंड एम और एक्स का नेट। इसको कहता है कि ये आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी एग्रीगेट डिमांड, अभी हमने आगे पढ़ना है इसको, लेकिन एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो तमाम हाउस होल्ड हैं, तमाम बिजनेसेस हैं, तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गुड्स और सर्विसेज चाहती हैं, खरीदना चाहती हैं, वो इतनी डिमांड है उनकी। दे आर कॉजिंग द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस दिस मच इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कॉज कर रही हैं, ये डिमांड कर रही हैं इकोनॉमी से कि जनाब मुझे ये चाहिए। कंजम्पशन वाला कह रहा है मुझे एसी चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे आप रोड्स चाहिए, तो वो डिमांड कर रहा है। ये इकोनॉमी के अंदर डिमांड है। दिस कंजम्पशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज क्रिएटिंग द डिमांड इन द इकोनॉमी। क्लियर है? ये यहां से हमें हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, तमाम हाउसहोल्ड मिलके जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं उनको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यहां पे आ जाए, जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड, जो किताब कह रही है, इन एन इकोनॉमी। दिस इज एक्सप्लेन इन मोर डिटेल इन चैप्टर फोर सेक्शन फोर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देख लिया, इंप्लाइज दैट द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमने एग्रीगेट सप्लाई की बाद में बात करनी है। इन अदर वर्ड्स द जीडीपी इज द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर जो हमने बात की, एग्रीकल्चर माइनिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड टेरिटरी सेक्टर सर्विसेज, टेरिटरी सेक्टर। तो ये कल जो मैंने स्पेशली वो प्रोडक्शन को डिफरेंट में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर और सर्विसेज को हमने डिफरेंट किया था, वो इसीलिए था कि एग्रीकल्चर माइनिंग आर द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन आर द सेकेंडरी सेक्टर, एंड सर्विसेज जो हमने बात की थी इंडिविजुअल की और इंस्टीट्यूशन की, तो वो सर्विसेज आर टर्शियरी सेक्टर्स। हमने इसको याद रखना है, ये हमें एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए इन वर्डिंग्स को यूज कर सकता है, हमें परेशान नहीं होना प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर से परेशान नहीं होना। जीडीपी पर कैपिटा इज ऑफन कंसीडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीडीपी डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन इन अदर कंट्री। हमारे लोगों ने दूसरी मुल्कों के अंदर जाके जो काम किया है वो हमें जीएनपी के अंदर मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल्स ने दूसरी मुल्कों में जाके काम किया उसकी हमने बात नहीं की। जीडीपी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर इज मेजर्ड बाय टू वे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। वही बातें जो हमने कल भी की थी, वैल्यूएटेड एट करंट प्राइसेस एंड एडजस्टेड वैल्यू, और हमने उसको कहा था बेस ईयर की प्राइस से के जरिए से एडजस्ट कर लें तो रियल वैल्यू पे पहुंचेंगे। देन वी हैव गॉट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ए कंट्रीज जीडीपी प्लस एनी इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम ओवरसीज investments minus income earned by overseas residents within the domestic economy. In other words, GDP is the production within the geographical confines of the nation by all residents in that country, whether citizen or not citizen, and GNP is the production of citizens of country only where they are located.
GDP compared to GNP. A Japanese company has a subsidiary in Pakistan. The output of the subsidiary would be part of Pakistan's GDP and Japan's GNP. Net national product. Sirf main consolidate kar raha hu, ye kal hi humne dekha hua sab kuch. The further distinction made by the GNP figure that and arrives a national net national product removes capital depreciation, capital consumption we isko kehte hain, from the calculation of national income. This is useful when assessing what effect the change in output has had on society as a whole. Net national product. A firm has an old machine and so produces a new one to replace it. A few years later, this machine is also replaced. In GNP terms, there has been an addition of two machines to the nation, and so the GNP figure will rise accordingly. However, in that time, two machines have lost values and they are no longer used by the society. NNP is found by deducting the value of capital depreciation that has occurred. हमने सारी वही बातें कर रहे हैं, nothing new. अच्छा जी, GDP पहले आ गया, GDP आ गया, इसमें से goods made in the country by foreign citizen plus goods made abroad by the country citizen. इसको minus कर देंगे, इसको add करेंगे, GNP पे पहुंच जाएंगे. कल हमारी discussion, फिर capital depreciation निकाल देंगे, तो NNP पे पहुंच जाएंगे. कोई नई बात हमने यहाँ पे नहीं की, सिर्फ कल की जो बातें थी उन्हीं को दोहराया. हमारी पर्सनल इनकम की बात, पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज कॉरपोरेशन. फर्म्स जो कि कॉरपोरेशन नहीं है, कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, जो उसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. दिस मीन्स दैट आइटम्स सच आर रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. As we remember, national income takes the net national product and deducts indirect taxes. So this measure removes retained earning of corporation and corporate income taxes. So हमने कल भी discussion की थी. कल में हमने उसके साथ में लिख दिया था कि national income के अंदर, फिर हमने उसके अंदर personal income के अंदर हमने transfer payments की बात भी की थी और उसको add भी किया था और हमने social securities को भी minus किया था. उनको भी हमने डिस्कस किया था. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस जो आपको टैक्स की सूरत में लगते हैं. तो इसमें हमने वैसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में प्रीवियस पीरियड सेविंग्स भी ऐड की थी, जस्ट टू बी श्योर के जी के आपकी इस पीरियड के अंदर डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी. मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड में प्रोडक्ट अप्रोच और उसी की डबल, ये डबल काउंटिंग की एग्जांपल दे रहे हैं. वुडन टेबल की वुड उसके अंदर इतनी थी, लेबर इतनी थी, मशीनरी इतनी थी, रिटर्न टू एंटरप्रेन्योर इतना था और 20,000 थी वो गुड्स प्रोड्यूस हुई. मार्केट प्राइस अप्रोच वुड यूज द प्राइस फॉर विच द एसेट वॉज सोल्ड फॉर 20,000, उसकी बात करेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की this had added benefit taking the account. कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक. सर्कुलर फ्लो को हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फर्म आउटपुट इधर से उधर जाती है, इसका विड्रॉल्स कौन सी हैं, विड्रॉल सेविंग्स, टैक्सेशन, इम्पोर्ट्स, इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ये इंजेक्शन हैं. और ये देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपकी विड्रॉल्स और इंजेक्शन इक्वल हो जानी चाहिए. तो आप कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ आपका इक्वल प्लांट इंजेक्शन एंड टू द सर्कुलर फ्लो. प्रोडक्ट अप्रोच फिर आगे जी, प्रोडक्ट अप्रोच क्या कहती है, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स.
and services produce, or वही bread की example यहाँ पे दी हुई है. Difficulties, double counting difficulty, double counting की difficulty है. The output of the sum firm become input of other. Only the value added, कह रहे हैं value added approach भी ले सकते हैं. Income approach आ गई. Income approach क्या कह रहे हैं? इनकम अप्रोच वाले भाई जान कहते हैं, अच्छा जी यहां से ही पढ़ते हैं. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम्स अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, लैंड से. इनकम अप्रोच, दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय एडिंग अप द रेंट ऑफ लैंड, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन कैपिटल एंड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. तो वही जो हमने कहा था, रिवार्ड की बात की थी कि जो रिवार्ड है उस रिवार्ड को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे. दिस इनकम विल इक्वल द टोटल वैल्यू एडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस प्रोडक्ट. रिटर्निंग टू द ब्रेड एग्जांपल अबव, दिस वुड इन्वॉल्व एडिंग टुगेदर द इनकम अर्नड ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लोफ ऑफ ब्रेड बाय द फार्मर, मिलर एंड बेकर. जो हमने यहाँ पे बात की, इनकम उन्होंने जो जो अर्न की थी, फार्मर ने 2000 की थी, मिलर ने 800 की, बेकर ने 400 की, तो वो हम पहुंचे उधर ही. द कैलकुलेशन डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करती क्योंकि उसका नेशनल इनकम के साथ तल्लुक नहीं है. इनकम गेन फ्रॉम स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन से जो इनकम गेन हुई. स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाई थी जो कि पिछले साल में हमने फर्म ने बनाई थी, फर्म ने बनाई लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में फर्म ने बनाई, तो उसके लिए उसने रिवार्ड लास्ट ईयर के हिसाब से पे कर दिया. ऐसा ही है ना. अब उस फर्म ने स्टॉक एप्रिसिएशन होगी, 100 रुपए का स्टॉक था, अब मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 की जगह 120 का बिक गया. 20 रुपए एडिशनल आए इस फर्म के पास जो कि इस फर्म ने कमाए हैं स्टॉक एप्रिसिएशन की मद के अंदर. इनकम गेन फ्रॉम द स्टॉक एप्रिसिएशन, दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड नॉट ए राइज इन आउटपुट. तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इसको तो शामिल नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये तो स्टॉक आपका बना हुआ था पिछले साल के अंदर, और पिछले साल के अंदर से आपने उसके लिए जो आपने मेहनत करनी थी, जो आपने उसके रिवार्ड्स वगैरह देने थे, वो आपने पिछले साल की नेशनल इनकम के अंदर आपने इंक्लूड कर लिया था. तो अगर आप ये 20 रुपए को इधर इंक्लूड करेंगे तो आप एडिशनल इंक्लूजन कर रहे होंगे. तो इसलिए वो कहते हैं कि एक तो ट्रांसफर पेमेंट्स ना करें इंक्लूड इनकम अप्रोच के अंदर, दूसरा स्टॉक एप्रिसिएशन को इंक्लूड ना करें क्योंकि वो स्टॉक तो पिछले साल के बन चुके थे. फिर वही ट्रांसफर पेमेंट, प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है उसको इंक्लूड नहीं करना. इनकम नॉट डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटीज, अब वो टैक्स अथॉरिटीज को जो इनकम नहीं बताई हुई तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो पिछले आपने तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी ना इकोनॉमी के अंदर. मैंने इंटरेस्ट कमाया, मैंने कुछ एम्प्लॉयमेंट की, मैंने कोई अनरजिस्टर्ड कोई प्रोडक्शन की, खुद ही प्रोडक्शन करके खुद ही उससे बेच दिया, किसी को किसी खाते में भी नहीं आई. मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा होता है ये तो, कि वो कुछ उगाया और खुद ही उधर बेच दिया और टैक्स अथॉरिटीज को पता भी नहीं चला कि क्या उगाया, क्या बेचा, कितनी इनकम हुई है, वो पता भी नहीं चला. जब पता ही नहीं चला तो वो तो इंक्लूड नहीं हो सकेगी ना. इनकम नॉट डिक्लेयर्ड, वो तो इंक्लूड नहीं हो सकेगी. और इसी तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कोई प्रोडक्ट उगाएं. तो मैंने तो वो खुद ही अपना इस्तेमाल कर लिया ना मैंने, हालांकि वो नेशनल इनकम बननी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर मेरा टाइम लगा, मेरी मेहनत लगी और मैंने उसको उगा के खुद इस्तेमाल भी कर लिया, नेशनल इनकम का
पार्ट बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कोई मॉनिटरी टर्म्स के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, कोई बेचा नहीं गया, मार्केट के अंदर नहीं गया, मार्केट वैल्यू के अंदर वो कहीं पे नोट नहीं हुआ, तो इस वजह से वो भी इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा, नेशनल इनकम के अंदर वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। हालांकि हो सकता है उसके लिए मैंने कोई खाद चाहिए थी, वो बीज चाहिए थे, जो मैंने पानी चाहिए था, जो मुझे बिजली चाहिए थी उसको उगाने के लिए, वो मैंने इस्तेमाल की होगी, लेकिन उसको उगा कर जो मैंने इस्तेमाल कर लिया नेशनल इनकम के अंदर नहीं आ सकेगी, क्योंकि वो तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, उसको हम मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। फिर डिफिकल्टीज कौन सी हैं, डबल काउंटिंग की इसके अंदर भी डिफिकल्टी है, व्हेन यूजिंग द इनकम मेथड, द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इज नॉट द सेम एज द सम ऑफ ऑल पर्सनल इनकम एज दीज आल्सो इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स की बातें भी होंगी, विद सब्सिस्टेंस पेमेंट्स की बातें भी होंगी, एक्चुअल प्रोडक्टिव प्रोसेस फॉर नो एक्चुअल प्रोडक्टिव प्रोडक्ट ट्रांसफर पेमेंट्स कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के बगैर हो रही है, दीज पेमेंट्स आर प्योरली ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स पेयर हु प्रोवाइड द मनी टू द अदर पर्सन सच एज बी अनएम्प्लॉयड और डिसेबल्ड और दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड ट्वाइस एज टू फॉर्म्स ऑफ इनकम। सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज मेजर प्रॉब्लम, सम गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट एक्चुअली ट्रेडेड थ्रू द मार्केट सेक्टर एंड आर नॉट देयरफॉर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट फिगर, although they do form part of the country's output, example include repair improvement work done on DIY, sabko pata DIY kya hai, and yeah, in some cases an imputed value is used for instance to value of owner's occupied housing where the market rents are similar, imputed value kya hai, farzi value ke janab humne koi ghar hai wo main khud hi reh raha hu, अगर मैं उधर उधर खुद ना रहता रेंट पे देना पड़ता है तो मुझे कुछ पैसे पड़ते हैं, या मुझे रेंट पे देता तो मुझे उससे पैसे मिलते, तो इंप्यूटेड वैल्यू यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम फैक्टर इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंपनीज मे रिटेन प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर वो प्रॉफिट तो हो गया था जो ओनर से उनको मिलना चाहिए था लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इनकम अप्रोच के। तो लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे और लेट्स मीट टुमारो और एक्सपेंडिचर अप्रोच और मेन प्रॉब्लम्स की देखते हैं। जी निम्रा क्या पूछ रहे हैं, जी अच्छा जी 172 में निम्रा कह रही हैं जी के आपने कहा था कि वो ये बराबर क्यों है, क्योंकि क्यों बराबर है मैं बता देता हूं, द फैक्टर प्राइस अप्रोच यूजिंग द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ली है उसने, उसने हर एक का अलग अलग वैल्यू ली हुई है, वुड कितने की आई थी उसने कहा 500 की किताब लकड़ी आई थी, कितने का लेबर लगा था, लेबर 1000 रुपए की लगी थी, अब ये फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो ब्रेड की एग्जांपल हमने देखी थी, ब्रेड की एग्जांपल हमने एक ही प्रोसेस लिया था और उसके अंदर एक का आउटपुट वीट और दूसरे का वो इनपुट बन रहा था, तो इस वजह से वहां पे हमें इस 2800 के अंदर 2000 नजर आ रहा था, लेकिन यहां पे लेबर का इनपुट वुड नहीं बनती, ऐसे ही है ना, वुड अलग अपनी जगह पे है, तो लेबर वाला जो जिसने मजदूरी ली है उसने अपनी अलग मजदूरी लिया, उसने बता के लिया कि ना मैं 1000 रुपया मजदूरी लूंगा, और फिर मशीनरी अलग है कि जनाब मैंने 10000 रुपए की मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगेगी, और प्रॉफिट अलग है, और इस तरह से वो 20000 प्राइस आ रही है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसेस अप्रोच। चलें अब, बहुत शुक्रिया, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।